वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी को स्वागत करुँचु। जब प्रथम थर पर चैनल को विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करना आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। यही लेटेस्ट अपडेट पापर जो टेलीग्राम चैनल जॉइन होना डिस्क्रिप्शन तरह जो टेलीग्राम लिंक दिया है लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे से सब पीडीएफ पापारे। ये आप गोटे नोटिस आखिर जो आप एडमिशन इनफर्मेशन ब्रोचर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस आप 22-23 आप अंडर ग्रेजुएट जो आप कोर्स रोच से कोर्स आप एडमिशन रोचे फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग आप कोर्स रोच आप बीबीए कोर्स रोच बीएससी आईएस आप कोर्स रोच इंटीग्रेटेड बीए बीडी जोटा कि आप प्लस टू पर जो 4 वर्ष आप बीए बीडी जो मैंने प्लस टू आर्ट्स पर आप बीड करने नहीं चाहते एडमिशन करेंगे जो मैंने प्लस टू साइंस करें भी आपंकर बीएससी बीएड आपे तार फुल डिटेल्स देखा आप गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी आप एडमिशन प्रोसेस आप दी जाइए तार फुल प्रोसेस आप बुझेदेवि आप अप्लाई केमी करेंगे आसत आप सीट के कोर्स भी के लगे 4 वर्ष तार फुल डिटेल्स मुझे देखेबी। ये रोज आप गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी अमृत बिहार आप संबलपुर ओडिशा संबलपुर आप गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी अच्छी से एडमिशन आप प्रोसेस आप चली। फास्ट जो सीट देखा कह आप बीबीए रे आप 64टा सीट रोच बीएससी आईएस सीट में आप 48टा सीट रोच इंटीग्रेटेड बीए बीड रे आप 50टा सीट रोच इंटीग्रेटेड बीएससी बीड रे आप 50टा सीट रोच ये गला आप सीट बाबद एलिजिबिलिटी जो देखा आप एलिजिबिलिटी बीए बीड रे आप एज पर गवर्नमेंट ओडिशा रिजोल्यूशन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द कोर्स विल बी डन फॉर द बेसिस ऑफ कैरियर मार्क आप प्लस टू जो प्लस टू जो मैंने पास करते से कैरियर मार्क नहीं आपर सिलेक्शन हम ये गला आप सिलेक्शन बाबद आप जो फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आप जो मैंने जनरल कैटेगरी पिला मैंने से 50% आप मार्क थी दरकार जो मैंने एससी एसटी आप 45% आप एग्रीगेट आप परसेंटेज थी दरकार सेमती आप कैंडिडेट प्लस टू साइंस जो मैंने प्लस टू साइंस पास करते आप बीएससी बीईडी बीए बीईडी दुईटा को आप अप्लाई करेंगे जो मैंने प्लस टू साइंस पास करते बीएससी बीईडी आप बैचलर ऑफ साइंस एजुकेशन जो बीएससी सहित बीईडी आप करेंगे बीए सहित आप बीईड भी करेंगे साइंस पिला मैंने दुईटा को आप अप्लाई करेंगे जो मैंने आर्ट्स प्लस टू पास करते खाली बीए बीईडी आप अप्लाई करेंगे ये गला आप जो सीट जो देखा आप बीए बीड रो आर्ट्स रोच आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स आप 10टा सीट रोच ओडिया ऑनर्स आप 10टा सीट रोच हिस्ट्री आप 10टा सीट रोच सेमती पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 10टा सीट जियोग्राफी आप 5टा सीट रोच इकोनॉमिक्स आप 5टा सीट ये गला आप आर्ट्स पिला साइंस पिला जो देखा फिजिक्स आप 10टा सीट रोच केमिस्ट्री 10टा बॉटनी 10टा जूलोजी 10टा और मैथमेटिक्स आप 10टा एमती टोटाली आप आर्ट्स रोच 50टा सीट आउ साइंस रोच 50टा सीट एप्लीकेशन फी आप जितने आप्लाय करेंगे ये आप ऑफलाइन आप अप्लाई हम जो मानकर फॉर्म दरकार टेलीग्राम ग्रुप आपको फॉर्म सेंड कर देती से डाउनलोड मारिपारे टेलीग्राम लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन तले मुझे टेलीग्राम लिंक देती ये आप्लिकेसन फी आप 350 टाँग आप बैंक ड्राफ्ट करा पड़ो बैंक ड्राफ्ट पर आपर जो फर्म अच्छे से फर्म को आप फिलअप करेंगे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लगे मुझे कही रखुच्छे से डॉक्यूमेंट आप स्पीड पोस्ट हो स्पीड पोस्ट हो रजिस्टर पोस्ट हो करके आपको पठाइक पड़ो ये रोज तो फॉर ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग रो ये रोज तक वेबसाइट यही वेबसाइट को जाकि आप 350 टाँग आप बैंक ड्राफ्ट आप करेंगे। नेक्स्ट आप जो देखा सिलेक्शन आप अप्लाई जो देखा आप जो रोच सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स रोच आप www.gmuniversity.ac.in जो वेबसाइट को आप विजिट कले आप फॉर्म सहित आप जो पीडीएफ आप पारे जो आप एप्लीकेशन फी देखा आप 350 टाँग नॉन रिफंडेबल आउ आप फेर ना डाउनलोड हम एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी आप 13-8-2022 आप एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड मारिपारे जो मैंने भी डाउनलोड न मारिपारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक देती से डाउनलोड मारिपारे लास्ट डेट आप सबमिशन रोच 30-8-2022 पूर्व आपको पठाइक पड़ो फर्म आप्लाय आप स्टार्ट हो गला। नेक्स्ट देखा प्री रिक्रुटमेंट आप 350 टाँग आप जो डाउनलोडिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर आप वैलिड और एक्टिव मोबाइल नंबर आप ठीक दबा दरकार तार मेल आईडी आपको दबाक पड़ो 350 टाँग आप बैंक ड्राफ्ट करेंगे व्हाइल सबमिटिंग टोटल मार्क 3 शुड हैव बीन डेडिकेशन आप टोटल मार्क आप कैरियर मार्क 12th पर आप एग्रीगेट बाहर करपर आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस आप देखो द एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड द ऑफिशियल वेबसाइट आप जो वेबसाइट कहूँ से वेबसाइट आप डाउनलोड हम फॉर ईच प्रोग्राम ईच ऑनर्स के कोर ऑप्शन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली आप प्रत्येक ऑनर्स सेपरेटली आप फिलअप करेंगे तो एडमिशन इनफर्मेशन ब्रोचर विल बी अवेलेबल ऑन द आप जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट आप पीडीएफ आप आसी जाइए 350 टाँग आप दरकार एप्लीकेशन फॉर्म आप स्पीड पोस्ट हो रजिस्ट्रेशन पोस्ट हो 10:30 रु आप 5टा सुधा आप पठाई पारे।
ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୁ ଦ ରେଜିଷ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ମେୟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅମୃତ ବିହାର ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ କପି ଦେବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଫ୍ରି ରିସିପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିବେ ତାକୁ ଦେବେ, ୱାନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ତାକୁ ଦେବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋକପି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର 10th ମାର୍କସିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମାର୍କସିଟ୍ରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହୁଛି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋକପି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ ରିସେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ SC କିମ୍ବା ST ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର OBC କାଟାଗୋରୀ ବା SCBC କାଟାଗୋରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିସେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋକପି ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲେମିଂ ଗୋଟେ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହେବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ବଳକା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଫି ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କୁଲ୍ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ SC ST ଆପଣଙ୍କର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅରିଜିନାଲ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଫର୍ମ ତାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଲୋଇଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍, 10th ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବି ଏନି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୱେଟେଜ୍ ବି ଏନି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହୁଛି SC ର ରହୁଛି 16.25% ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସାଂକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ 50 ସିଟ୍ ଅଛି SC ର ଆପଣଙ୍କର 16.25 ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି, SC ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ST ର ରହୁଛି 22.5 ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5% ରହୁଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟ୍ ପାଇଁ 40% ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋ ଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ରହୁଛି, ଏକ୍ସପ୍ରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି। NCC ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର 5% ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ। NSS ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5% ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ BA BD ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ପର୍ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 35,000 ପର୍ ମନ୍ଥ, ପର୍ ଇୟର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 35,000, ଆପଣଙ୍କର 4 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର +3 ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର BED କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଇଏ +3 ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ, BED ଆପଣଙ୍କ 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BED କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 4 ବର୍ଷର 2 କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ମନ୍ଥ ପର୍ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 35,000 BA BD, BSc BD କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 40,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। ସେମିତି BBA କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ 25,000, BSc ICT ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ 30,000 ରହିବ ପର୍ ଇୟର୍, ଆପଣ 30 ରହିବ, 30,000 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ରହିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପକେଇବା ନେଇକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 30/8/2022, ଗଙ୍ଗାଧର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BED ବାହାରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନେଇକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।